इस खेल में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत भी लग सकती है। कृपया अपनी जिम्मेदारी अपने रिस्क पर खेलें। आज हम बात करने वाले हैं कि बेटवे के अंदर है वो पेमेंट मेथड है वो कैसे चेंज करते हैं। बहुत सी बार ईमेल आता है आपको, उसके अंदर लिखा हुआ होता है कि आपको अपना पेमेंट मेथड है या बैंक अकाउंट है वो चेंज करना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर हम विड्रो नहीं दे सकते। आज हम बताएँ कि कैसे है वो चेंज कर सकते हैं। तो आपको बता दूँ मैं कौन कौन से स्टेप हैं, कैसे कैसे फुल एक्सप्लेन करूँगा, तो उसके लिए आपको वीडियो है वो पूरा देखना होगा। ठीक है दोस्तों, अब बताते हैं सबसे पहले कि किस प्रकार से अपन है वो चेंज करते हैं। स्टेप वन लिखा हुआ है, उसके अंदर आपको अपने बेटवे का जो लॉगिन होता है पेज उसमें सीधा लॉगिन करना है और उसके बाद आपका अपने अकाउंट में जाना है। अपने अकाउंट में कैसे जाना है आपको मैं बताता हूँ कि जैसे आपने किया लॉगिन अपने बेटवे अकाउंट के अंदर, तो वहाँ पर आपका नाम लिखा होगा, यूज़र नेम, जैसे आपका नाम कुछ भी है, उसके नीचे आपका अकाउंट का बैलेंस लिखा होगा। फॉर एग्जांपल ये स्क्रीन है, लगभग यहाँ पर आपका यूज़र नेम लिखा होता है, उसके नीचे पैसा लिखा होता है, आपको उसके ऊपर क्लिक कर देना है डायरेक्टली। उसके बाद जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो अब बताता हूँ आपको कौन सा होता है स्टेप दूसरा। तो अब जैसे ही आप उसके ऊपर करेंगे, उसके अंदर यूज़र नेम और बैलेंस लिखा हुआ होगा, वो उस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, यही स्टेप टू है। पहला स्टेप है कि आप अपने बेटवे अकाउंट है उसके अंदर लॉगिन कीजिए, वो स्टेप दूसरा हो गया कि आपको वहाँ पर क्लिक करना है जहाँ पर आपका यूज़र नेम लिखा होगा और नीचे आपका अकाउंट का बैलेंस लिखा होता है। ठीक है, अब है तीसरा ऑप्शन क्या होता है। तो तीसरा ऑप्शन होता है कि वहाँ पर बहुत सारे लिखा हुआ एक मेक ए डिपॉजिट लिखा होता है नीचे, नीचे वहाँ पर एक डिपॉजिट लिखा, मैक ए डिपॉजिट लिखा हुआ होता है, या फिर सीधा डिपॉजिट या विड्रो, और ऐसे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा होता है डिपॉजिट, उसकी साइड में लिखा होता है विड्रो, और यहाँ पर होता है हेल्प का ऑप्शन दिया होता है, और यहाँ पर एक कुछ अलग ऑप्शन होता है, और यहाँ पर एक मटका वगैरह का ऑप्शन था, नीचे एक लॉन्ग आउट का भी एक्शन ऑप्शन होता है। तो आपको यहाँ पर इतने सारे ऑप्शन है वो मिल जाते हैं। उसके बाद आपको क्लिक करना होता है अपने, या तो आप डिपॉजिट के ऊपर क्लिक कर लीजिए। जैसे आप अगर डिपॉजिट से संबंधित इश्यू है, आपको बैंक अकाउंट चेंज करने को बोला गया है, तो फिर आपको डिपॉजिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर विड्रो से संबंधित है तो उसके पास में ही विड्रो लिखा हुआ होता है, ऐसे मतलब नीचे एक तीर का निशान भी लिखा हुआ है विड्रो के, तो उस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद विड्रो के ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसके बाद एक नया टैब खुल जाएगा और नीचे ऐसे लिखा हुआ होगा कि आपने किस अकाउंट का है वो विड्रो पर दिया हुआ है, और उसके सामने ही उसके ऐसे क्रॉस लगे हुए हैं और उसके लास्ट चार नंबर हैं, जैसे 041 है ये लिखा होगा, और उसके आगे एक एडिट का जो होता है तीर का निशान वो भी लगा हुआ होगा, एडिट वगैरह का निशान लगा हुआ होता है। तो आपको उस पर क्लिक करना है, उसके बाद वहाँ पर नीचे ऑप्शन मिलता है ऐड ए न्यू अकाउंट या चेंज प्रेफर्ड मेथड बैंक, वहाँ पर ऐसे ग्रीन टिक्स लगी होती हैं, आपको जैसे नया बैंक अकाउंट उसके बाद ऐड करेंगे और ग्रीन टिक को है जो आपने नया बैंक अकाउंट जोड़ा है उसके ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, और उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है सिंपली। तो इस हिसाब से आप अपना बैंक अकाउंट है वो चेंज कर सकते हैं। और मैं दोबारा बता रहा हूँ क्या करना, अपने बैंक अकाउंट बेटवे है उसको अकाउंट में आपको लॉगिन करना होता है, उसके बाद अपने यूज़र नेम पर क्लिक करें, उसके बाद नीचे विड्रो का भी लिखा ऑप्शन होता है, डिपॉजिट का भी होता है, आपका कौन सा प्रॉब्लम है वो देखना है, उसके बाद उस पर क्लिक कर देना है। और नीचे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो नीचे आपका बैंक अकाउंट के चार नंबर लिखे हुए होंगे और सामने एडिट का ऑप्शन भी दिया हुआ होगा, उस पर क्लिक करना है आपको एडिट के ऑप्शन के ऊपर, और नया बैंक अकाउंट है वो ऐड कर देना है। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।